नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं 14 जुलाई 2021 को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, जिस बम ब्लास्ट में चीन के 9 इंजीनियर मारा गया था, टोटल 13 लोग मारा गया था। दोस्तों ये बम ब्लास्ट एक बस में हुआ था। बड़ी बात तो यह है उसी पे चाइना ने बहुत बड़ा जहर उगला है, भारत पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि जो भी हुआ है सबके पीछे भारत का हाथ है, भारत ने से करवाया है और भारत को दुनिया के कोने कोने में हर कटघरे में हम खड़े करेंगे, भारत को छोड़ेंगे नहीं, भारत ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, पाकिस्तान ने जो कहा है ना, पूरा दुनिया हैरान हो गया है, किसी को यकीन हो रहा है कि भाई जो देश कल तक खुद आतंकवादी की खेती कर रहा था, आखिरकार इतना बेशरम कैसे हो सकता है, आखिरकार भारत पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और आप बोलेंगे अब की बार आर्या पार कर दो, अब की बार चीन पे भी हमला कर ही दो, पाकिस्तान का भी औकात दिखाई दो। दोस्तों ये हद हो गया ना, जो चीन खुद ही आतंकवादी पालता है पाकिस्तान में, भारत पे अटैक करवाता है, उसे हथियार देता है, और वो अगर हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए, हमें दुनिया के कटघरे में खड़े करने की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे। चीन का औकात दिखाने का समय आ चुका है। दोस्तों भारत भी पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुका है और अब की बार आर्या पार का धमकी दे ही दिया है, चीन को बर्बाद करने का धमकी दे ही दिया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आकर हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले आप लोग से अनुरोध करता हूँ दोस्तों, हमारे चैनल के पीछे बहुत सारे दुश्मन पड़े हुए हैं, क्योंकि देश हित में वीडियो बनता है, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, इसीलिए हम आप लोग को टेलीग्राम से ज्वाइन करवा रहे हैं। आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि भविष्य में ये चैनल रहे ना रहे, लेकिन हम लोग आपस में जुड़े रहे ताकि हम लोग हमेशा देश के लिए वीडियो बनाते रहे। दोस्तों इसीलिए टेलीग्राम हमने बनाया है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार और समर्थन दे ताकि हम लोग एक रहे। सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब चल जानते आखिरकार हुआ क्या है, चाइना ने क्यों भारत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, चीन का क्या अंत समय आ चुका है, चीन क्या जलते हुए आग में हाथ दिया है, चीन क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, चीन का क्या मौत नजदीक है। दोस्तों मैं तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए कल ही की बात है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके यहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ था उस पर वो चर्चा किया। उसने कहा कि हमें जांच से पता चला है कि यह एक आत्मघाती हमला था, यह है आतंकवादियों ने किया था, जिसकी साजिश अफगानिस्तान में हुई थी, अफगानिस्तान में रची गई थी, और धमाके में जो गाड़ी इस्तेमाल किया गया था वो भी अफगानिस्तान से तस्करी करके, स्मगलिंग करके पाकिस्तान लाया गया था। दोस्तों कुरैशी ने साफ तौर पर यहाँ बोला कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है, भारत का रॉ एजेंसी जिम्मेदार है और अफगानिस्तान का जो एजेंसी NDA है, ये दोनों खुफिया एजेंसी जिम्मेदार है, इन दोनों को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। दोस्तों कुरैशी ने ओपनली तमाम मुद्दे को भारत पे लाके खड़ा कर दिया, बोला कि जो भी हुआ है सबके पीछे भारत करो और खासतौर पे अफगानिस्तान सरकार का हाथ, ये दोनों ने हमारे यहाँ आतंकवादी हमला करवाया है, हम कितना सीधे हैं, हम कितना अच्छे हैं, हमें तो सब दबा रहा है, भारत तो आतंकवादी पाल रहा है। दोस्तों इशारों ही इशारों में भारत को भयंकर बदनाम करने का कोशिश किया है, लेकिन भारत सरकार अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन भारत सरकार ने पहले उसे खारिज कर चुका है। भारत सरकार ने आज से कुछ दिन पहले ओपनली बोला था कि पाकिस्तान कुछ भी बोलेगा कोई भरोसा ना करे, पाकिस्तान मक्कार गद्दार झूठा देश है, गलती खुद करता है, सांप खुद पालता है, और जब सांप डसता है तो बोलता है कि ये तो हमारे पड़ोसी का सांप था, इसीलिए पाकिस्तान में कोई भरोसा ना करे। दोस्तों भारत ने ऑलरेडी कई बार बोल चुका है ये दोगला देश है, उसका कोई नीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कब क्या बोलते कुछ पता नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत प्रतिक्रिया अभी तो कुछ नहीं दिया, लेकिन चीन का प्रतिक्रिया आ गया है, खासतौर पे पाकिस्तान के बयान के बाद अगले ही दिन चीन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने अपना औकात बता दिया कि कितना वो गिरा हुआ है, कितना वो ख़त्म देश का प्रवक्ता है। दोस्तों चीन के जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें उसका तमाम रिपोर्ट छापा गया है। दरअसल उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान जो जांच किया है, जो पड़ताल किया है, वो बहुत बड़ी प्रगति है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया केवल कुछ दिनों में, खासतौर पर जांच पड़ताल कर दिया, हम सहमत हैं उसके बातों से, हम भी अग्री करते हैं, पाकिस्तान एक बहुत ईमानदार देश है। उन्होंने कहा कि
चीन पाकिस्तान के सक्रिय प्रयासों को सराहना करता है। पाकिस्तान इस बारे में और जांच कर रहा है, हमें खुशी हो रहा है। दोस्तों, चीन के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों पक्षों के नेताओं के बीच कई बार हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं, हम लोग सहमति बनाए हैं, उसका पालन करते हैं और पाकिस्तान के सभी तथ्यों का हम पालन करेंगे। पाकिस्तान जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है और साफ तौर पर हम कुछ देश को चेता रहे हैं, खासतौर पर जो देश इसमें कसूरवार होगा। दोस्तों, खासतौर पर चीन के मंत्रालय ने पहले कहा कि भारत को आंख दिखाई, बोला कि जो देश कसूरवार होगा, जो जिम्मेदार होगा, उसे बहुत बड़ा अंजाम भुगतना होगा, उसे दुनिया के तमाम न्यायालय के कटघरे में हम खड़े करेंगे, हर जगह उसे उसका औका दिखाएंगे। दोस्तों, चीन के प्रवक्ता ने अपनी भारत को आंख दिखाया और खासतौर पर भारत को इसका इल्ज़ाम लगा ही दिया और बोल दिया कि जो हुआ भारत ने किया है उसे हम जगह जगह कटघरे में खड़ा करेंगे, भारत को पूरी तरह से हम बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आतंकवाद सारी मानवता के लिए खतरा है, दुश्मन है, चीन ऐसा किसी ताकत का सख्त विरोध करता है, यानी कि जो भी देश आतंकवादी को पाले पोसेगा उसे चीन विरोध करता है। यानी दोस्तों, चीन कह रहा है कि ये जो कर रहा है, ये भारत कर रहा है, उसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो खुद ही चोर है वो दूसरे को चोर बता रहा है। दोस्तों, दुनिया कितना ख़त्म हो चुका है। देखिए, जो चाइना खुद ही हमेशा खासतौर पर यूनाइटेड नेशन में आतंकवादियों को बचाते आया है, वो आज भारत पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो आतंकवाद के सहारे जियो पॉलिटिक्स का लाभ उठाने का कोशिश कर रहा है, उस देश को औकात हम दिखाएंगे। दोस्तों, ये बात चीन कहा है कि खासतौर पर भारत को आंख दिखाया, बोला कि जो देश भू राजनीति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है वो भी आतंकवाद के सहारे, उसका औकात हम दिखाएंगे। दोस्तों, चीनी प्रवक्ता ने यहाँ तक कहा कि हम दोनों देश सुरक्षा के मामले में सहयोग के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, व्यवस्था को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान तो मेरा भाई है, पाकिस्तान में चीन का परियोजना चलता रहेगा और संस्था भी सुरक्षित है, हम अपना आर्मी वहाँ पे भेजेंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, जिस प्रकार का भाषा चीन यूज किया है ना, खासतौर भारत के लिए, यह बेहद ही शर्मनाक है। कह सकते हैं कि एक सभ्य देश ऐसा बोल ही नहीं सकता है, खासतौर बिना किसी तथ्य का, बिना किसी प्रमाण का भारत पर इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत घटिया प्लान है। दोस्तों, चीन जिस प्रकार से मार खा रहा है पाकिस्तान में, जिस प्रकार से तरीके तालिबान वाले पाकिस्तानियों को, चीनियों को दौरा दौरा कर पीट रहा है, बम से उड़ा रहा है, इसी बौखलाहट में चीन भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को एक बात समझना चाहिए, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। पाकिस्तान चीन हमेशा गलत फलत किया, आतंकवादी पाला, उसका फल उसे आज मिल रहा है और इल्ज़ाम हम पे लगा रहा है। दोस्तों, दुनिया में चाहे चीन कहीं भी चल जाए, लेकिन दुनिया के कोने कोने में सीना ठोक के सब बोले कि भारत के यहाँ से कभी आतंकवादी आ ही नहीं सकता है, भारत कभी भी आतंकवादी को पाल ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि तालिबानी आतंकवादी भारत को क्या क्या ऑफर ने दिया, लेकिन भारत ने पहले कहा कि हम सब के लिए एक ही नीति रखते हैं, चाहे तालिबान हो या फिर कोई और हो, आतंकवादी से कोई दोस्ती हम नहीं करेंगे। दोस्तों, हमें तालिबान से क्या दुश्मनी है, कोई दुश्मनी है, कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तालिबान को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? हमारा नीति है आतंकवाद को मसलना और हम पाकिस्तान में ब्लास्ट करवाएंगे। दोस्तों, वहाँ पे खुद ही जो सपोला था, जो आज खुद अपने नेता को डस रहा है, अपने लोगों को डस रहा है, यानी कि वहाँ के आतंकवादी खुद ही अपने लोगों को मार रहा है और पाकिस्तान शर्म से क्या कहे, किसको बोले कि ये मेरा आतंकवादी है, तो आराम से पड़ोसी पर इल्ज़ाम दे रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ आइए, कितना गिरोगे आप, जितना गिरोगे ना, उतना ही आपका जीना हराम होगा। पाकिस्तान चीन जितना भी भारत को बदनाम कर ले, उतना उसका जीना हराम होते चला जाएगा और एक दिन पूरी तरह से नंगा होके मरेगा। दोस्तों, यही सत्य है।